हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हमारी जर्नी पहुंच चुकी है रे ऑप्टिक्स पर, यानी कि 12th क्लास की सेकंड बुक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। रे ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, और पहले वाले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, प्लेन मिरर के थ्रू और स्फेरिकल मिरर के थ्रू, और रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के भी बिल्कुल जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, और प्रिज्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और लेंसेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मैं रे ऑप्टिक्स के लिए पहले से आपको दो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि रे ऑप्टिक्स फिजिक्स के उन चुनिंदा चैप्टर्स में से एक है जिसका क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आने वाला है वो आप फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, स्कीम के तहत आसानी से कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको नॉर्मली रे ऑप्टिक्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इतना ज्यादा आपको पढ़ा दिया जाता है, इतना इररिलेवेंट चीजों को आपसे आपको पढ़ा दिया जाता है कि आप बहुत आसान क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आने वाला है उसको भी गलत करके आ जाते हो। तो हम इस चीज से बचेंगे, हम बिल्कुल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ इस चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज का जो बेसिक फंडा है कि मिनिमम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे बच्चों के पास में मोस्ट वांटेड सीरीज की जो बुक है वो पहुंच चुकी होगी। मैं चाहता हूं कि आप उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करें, ऑब्वियसली कर भी दी होगी आपने, और एक चैप्टर दो चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो आपको वाकई बुक कैसी लग रही है, वाकई इफिशियंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए बुक, वाकई कम टाइम के अंदर फिजिक्स को इफिशियंटली करने के लिए सफिशियंट है हमारी बुक। अगर आपको ऐसा फील होता है, या फिर आपको कोई भी नेगेटिव फीडबैक भी देना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फॉर मी फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट के अंदर भरोसा है, और आपकी जो फीडबैक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का भी काम करते हैं, साथ ही साथ में मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का भी काम करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक बने रहे, तो ये काम भी आपको करना है, राइट। खैर, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये हमारा कंसेप्ट मैप रहेगा। हमें सबको पता है कि प्लेन मिरर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होते हैं, यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। नॉर्मल के अलोंग अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मली वापस से लौट जाती है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन के अंदर होती है। ये सब हम बचपन से रटते आए हैं, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि इसके बेसिस पे जो ये डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज अगर होते हैं नेचर के अंदर वो हम कितना पकड़ पाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ मिरर। एक मिरर है, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही थी नॉर्मली, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी तो नॉर्मली लौट जा रही थी, राइट। अब आप मिरर को थीटा एंगल से घुमा दोगे तो ये जो रे है ये नॉर्मल नहीं होगी। अब की बार ये नॉर्मल से कितने एंगल पर हो जाएगी, थीटा एंगल पर, तो थीटा एंगल के ऊपर ही नॉर्मल से लौट जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। तो अब आप देखोगे कि अगर आप मिरर को थीटा एंगल से घुमा देते हो तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से घूम जाती है, ट्वाइस ऑफ थीटा एंगल से घूम जाती है। तो ये मंत्र आपको याद रखना है, रोटेट मिरर बाय एंगल थीटा एंड रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय ट्वाइस ऑफ थीटा, बहुत काम आएगा आपके, राइट। ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो रे आ रही थी अगर मिरर नहीं होता तो सीधी की सीधी जाने वाली थी, बट मिरर ने इसको बिगाड़ दिया और इसको अपने पथ से भटका दिया। कितने एंगल से भटका दिया, ये एंगल भी आई है, ये एंगल भी आई है, तो जो ये बच गया, राइट, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से अगर आपने 2i माइनस कर दिया तो आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा, यानी कि जो डेल्टा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ i के इक्वल होना चाहिए। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे अपन यहां पर कि अगर आपको दो मिरर्स दे रखे हो, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो, और एक आपको रे दे रखी हो, तो रे का पहली बार रिफ्लेक्शन यहां पर होगा, यहां पर जाएगी, फिर दूसरी बार इस मिरर से होगा, इस तरीके से लौट जाएगी। तो इस रे का जो टोटल रास्ता चेंज हुआ है, कितने एंगल से चेंज हुआ है, अगर हमें वो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम आसानी से हमारे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इस मिरर की वजह से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है तो कितना रास्ता चेंज हुआ होगा, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा। फिर इस मिरर की वजह से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है तो कितना रास्ता चेंज हुआ होगा, 180 माइनस बीटा। तो टोटल एंगल कितना चेंज हो गया होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 180 और 180 ऐड होकर 360 हो जाएंगे।
माइनस एल्फा प्लस बीटा, और आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और आप देख सकते हो कि एल्फा प्लस बीटा जो होगा वो थीटा के इक्वल होगा। तो आपको तो फाइनली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से जो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन जनरेट होता है वो होता है 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। ध्यान दो, डिपेंड ही नहीं करता कि कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, सीधा सीधा आपको थीटा जो मिरर्स के बीच का एंगल है वो यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, मिनिमम लेंथ फॉर फुल इमेज। अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो, आपकी इमेज आपको दिखाई दे रही है, अगर आप आपके पाँव से लेके सिर तक पूरी की पूरी इमेज उस मिरर के अंदर देखना चाहते हो, तो उस मिरर की जो हाइट है, उस मिरर की जो लेंथ है, वो एटलीस्ट आपकी हाइट से कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ध्यान रखना ये जो रिजल्ट है कि मिरर की लेंथ हाइट की हाफ होती है, ये ना तो आपकी आईज की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। भाई कईयों की आईज जो होती है ना, कईयों का ये जो ललाट है वो बहुत चौड़ा होता है, तो उनकी आंखें थोड़ी सी नीचे होती है, कईयों की बिल्कुल खोपड़ी के पास में होती है, इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। और ना ही ये पर्सन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मिरर से कितना दूर या पास में खड़ा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, आपने बार बार शॉप पर देखा होगा, जो खासकर जो पुरानी बार बार शॉप हुआ करती थी, उसमें आपके सामने भी एक मिरर रखा हुआ होता था और पीछे भी एक मिरर रखा हुआ होता था, और सामने वाले मिरर के अंदर आपको बहुत सारी इमेजेस बनती हुई दिखाई देती थी। तो कुछ वैसी प्रॉब्लम यहाँ पे पूछ ली जाती है कि अगर दो मिरर्स को किसी एंगल के ऊपर रखा जाए और उनके बीच में कहीं किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो, आप क्या करो, 360 डिग्री को जो दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको एक नंबर मिलेगा। अब इस नंबर को चेक करो, अगर ये नंबर इवन है तब तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, एम माइनस वन। अगर 360 को एंगल से डिवाइड करने पर जो नंबर आ रहा है वो ऑड है, तो फिर आपको फर्दर चेक करना है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर के ऊपर रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस अगेन एम माइनस वन, और अगर आपका ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर के ऊपर नहीं रखा हुआ तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, एम बनेगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस ट्रिक को यूज करके आप आसानी से किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, 360 को किससे डिवाइड करो, एंगल से। जो नंबर आएगा अगर वो इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस एम माइनस वन, अगर ऑड है तो आपको फिर से चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। अगर बाइसेक्टर पर रखा हुआ है तो एम माइनस वन, और बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ तो एम। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, राइट। फिर अपन आते हैं हमारे साइन कन्वेंशन के ऊपर, जो कि हमें स्फेरिकल मिरर्स के फॉर्मूलाज को अप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। मैं आपको एक पॉइंट यहीं पर बता देना चाहता हूं कि शायद आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूलाज की वजह से गलत नहीं होगा। गलत किसकी वजह से होगा, कि आपने साइन कन्वेंशन गलत लगाया होगा। तो आप क्या करो, आपको कोई भी स्फेरिकल मिरर दे रखा है, जैसे आपको मैंने ये मिरर दे दिया। बाय द वे, आपको ये तो पहचानना आता होगा कि ये मिरर कौन सा है। अगर इसकी इनर सरफेस जो है उसको हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया और बाहर वाली सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, तो ये जो मिरर होगा ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। इसकी जो केव वाली पोर्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, राइट, इसलिए कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और जो दूसरे काइंड ऑफ मिरर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पता होगा, राइट। तो ये एक मिरर ले लिया मैंने। सबसे पहले तो ध्यान रखना, हम हर डिस्टेंस, खासकर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेस होती है, वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा पोल से मेजर करते हैं। पोल तो पता ही होगा, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। अब इस पोल से आप इधर की तरफ जाओगे और इधर की तरफ जाओगे, तो कौन सी वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी और कौन सी वाली नेगेटिव होंगी। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर आपकी लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आएगी, तो ध्यान देना लाइट की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी, यानी कि लाइट इधर आ रही है और ये डायरेक्शन दोनों सेम है, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और रिफ्लेक्टिंग साइड पर जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। बहुत आसान है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव और रिफ्लेक्टिंग साइड पर जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव। ये तो एक्स एक्सिस की बात होगी, वाई एक्सिस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव, तो ये चीज आपको बहुत मदद करने वाली है, राइट। अब जैसे इसका सबसे पहली बार यूज अपन कहां पे करेंगे, आपको पूछा जाए कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर की और फोकल लेंथ। आई होप फोकस के बारे में सबको पता होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज
रिफ्लेक्शन के बाद में उस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है, इकट्ठी होती हुई महसूस होती है या असल में इकट्ठी होती है, राइट। उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ के इक्वल होती है। ध्यान रखना, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आप फॉर्मूला के अंदर यूज करते हो तो आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। जैसे ये जो कॉनकेव मिरर लिया है, इसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी वो टकरा के इस तरीके से यहां पर फोकस आपको मिलेगा। तो मैंने अभी अभी बताया था कि फोकस आपको रिफ्लेक्टिंग साइड पर मिल रहा है, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको ध्यान ही रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, राइट। मिरर फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, 1/v + 1/u = 1/f। साइन कन्वेंशन के साथ आपको अप्लाई करना है बच्चों, साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। मैग्निफिकेशन जो होता है, हम अभी कौन से वाले मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम हाइट के मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, इसका रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर v और u दे रखा हो तो आप -v/u ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो विथ साइन कन्वेंशन। f/f - u अगर आपको f और u दे रखा है, और f - v/f अगर आपको f और v दे रखा है, तो सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए उसको यूज करके आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। m की वैल्यू से आप आसानी से जो इमेज की प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन कर सकते हो। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। अगर m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आता है तो आपकी इमेज डिमिनिश्ड होगी, और अगर m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आता है तो आपकी इमेज जो होगी वो एनलार्ज्ड इमेज होगी। m की वैल्यू से आप काफी सारी चीजें पता लगा सकते हो इमेज के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ, भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ही थोड़ी ना होगी, अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ भी होगी। तो लेंथ के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा, तो ml जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, m स्क्वायर। अब ये वाला मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लो, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये चीज देखना कहाँ कहाँ यूज होगी। अगर कोई पूछे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कितना होगा, मतलब एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू एम स्क्वायर। ध्यान रखना, एरिया जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ही डायरेक्शन में हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस आपके एरिया के प्लेन में हो जाए, तो फिर ये एम क्यूब हो जाता है। हालांकि मैंने उसको लिखा नहीं है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर आप मिरर के अंदर इमेज की वेलोसिटी देखोगे तो -m² × वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप m फाइंड आउट कर लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी जाएगी, आप आसानी से वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो काम हमने किया, ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाहर, रिफ्लेक्शन के ऊपर तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा, और बहुत आसान लगेगा आपको क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। स्नेल्स लॉ, अगर हम रिफ्रेक्शन की बात करें, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है रे तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे मुड़ जाती है, इस घटना को रिफ्रेक्शन कहा जाता है। तो इस रिफ्रेक्शन के अंदर, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, वैसे रिफ्रेक्शन के केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन को मीडियम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड करने वाला एक लॉ है, जिसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। और स्नेल्स लॉ से ही हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और तरह तरह की चीजें जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको तो ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होगा वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइनल मीडियम, इस नोटेशन को यूज करना चालू करो आप, राइट, ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा। फाइनल मीडियम का मतलब है कि फाइनली रेज इस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इनिशियल मीडियम, यानी कि इनिशियली रे आपकी जिस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही थी, एक से दूसरे में जा रही है ना, तो पहले किसमें कर रही थी वो म्यू आई, बाद में जिसमें कर रही है वो म्यू एफ। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होती है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वी आई डिवाइडेड बाय वी एफ, और इसी तरीके से वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि लैम्डा आई डिवाइडेड बाय लैम्डा एफ। तो इनमें से कुछ भी देख के आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से आते हुए दिखाई दे जाएंगे, आपको रिलेट करना है बस सिंपल और सिंपल फॉर्मूला लगा के, राइट। इसके ऊपर जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, और
इस मीडियम में आरडी, आरडी का मतलब है रियल डेप्थ, यानी कि कुछ डेप्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मीडियम के अंदर, राइट। अब आप उसको बाहर से देखना चाह रहे हो एयर से, तो आपने वैसे खुद ने भी देखा होगा कि पानी के पैंदा, पानी भरी हुई है, अगर सपोज करो किसी बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उस बकेट का जो लोअर पोर्शन है, जो पैंदा है, वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी होगा। तो ये चमत्कार किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, यानी कि आपकी जो अपेरेंट डेप्थ होगी, जो आपको दिखाई दे रही है, वो रियल डेप्थ से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगी यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अपेरेंट डेप्थ विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइनल मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनिशियल मीडियम टाइम्स रियल डेप्थ। अब जैसे इस केस में हमारी जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जा रही है, यानी कि म्यू आई जो है इज ग्रेटर देन म्यू एफ। जो हमने केस बनाया है उसके लिए म्यू आई क्या है, म्यू एफ से ज्यादा है। भाई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है ना वो डेंसर मीडियम होता है, जिसकी कम होती है वो रेयरर मीडियम होता है। तो हमने जो ये डायग्राम बनाया है इसमें हमने देखा कि म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू एफ, जैसे ग्लास हो गया और बाहर एयर हो गई, राइट। इसका मतलब है कि म्यू एफ डिवाइडेड बाय म्यू आई विल बी लेस देन वन। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो लेस देन वन होगी, और अगर लेस देन वन क्वांटिटी से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पक्का उस नंबर से कम होगा, यानी कि हमारी अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ की तुलना में कम होगी, यानी कि चीज हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। अगर आप उल्टा कर देते तो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो हवा के अंदर है और आप उसे कहां से देख रहे हो, पानी के अंदर से देख रहे हो, फॉर्मूला तो यही लगता, बट वहां पे म्यू एफ जो है वो ग्रेटर देन म्यू आई हो जाता है, यानी कि म्यू एफ डिवाइडेड बाय म्यू आई ग्रेटर देन वन हो जाता है, यानी कि आपकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्या दिखाई देता, ऊपर दिखाई देता, ठीक है, थोड़ा सा दूर दिखाई देता इस तरीके से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास दिखाई देता है, और अगर आप अंदर से देख रहे होते हवा की चीज को तो आपको थोड़ा सा दूर दिखाई देता है। जैसे पानी के अंदर जो मछलियां वगैरह तैरती रहती है ना, उनको हम थोड़े से लंबे नजर आते हैं, राइट। आगे समझ में, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर अगर हमारा कोई दोस्त मतलब चल रहा होता है, पैदल वगैरह चल रहा होता है स्विमिंग पूल के अंदर, ज्यादा गहराई वाला ना हो, तो उसके टांगे जो है हमें ऐसे लगती है जैसे किसी बोने की टांगे हैं, ठीक है, छोटी नजर आती है। तो ये सारे के सारे जो खेल है वो आपको रिफ्रैक्शन के बेसिस पे, तो आपको तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे शिफ्ट आपसे कोई पूछे कि बताओ कितना शिफ्ट हो जाएगी इमेज, ठीक है, पहले यहां पर थी, यहां पर आ गई, तो ये शिफ्ट कितनी होगी, तो आप क्या करो रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर दो, कर सकते हो ना। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो ये सारे के सारे काम। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तब होता है जब आपकी रे जो कि एक डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है अचानक से रेयरर मीडियम के अंदर एंटर करती है एक फिक्स एंगल से ज्यादा एंगल पर, और फिक्स एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा मीडियम की प्रॉपर्टीज से होता है। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होगा वो हमेशा 1/μ के इक्वल होगा, यानी कि ध्यान देना क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। हमने यहां से देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अब आप देख सकते हो कि क्रिटिकल एंगल कुल मिला के वेवलेंथ के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल भी सबसे ज्यादा होगा, बैंगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो बैंगनी कलर के लिए सेम मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, राइट, तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। प्रिज्म की अगर बात करें तो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस जो होती हैं अगर वो एक दूसरे से किसी एंगल पर हो तो उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को प्रिज्म कहा जाता है, और प्रिज्म दो काम करके देगा हमें। पहला काम तो प्रिज्म करके देगा हमें हमारी रे को डिविएट कर देगा, एंगल ऑफ डिविएशन हम फाइंड आउट करेंगे, उसके फॉर्मूलाज ध्यान रखेंगे, और दूसरा काम क्या करेगा कि अगर वो व्हाइट रे है तो उसको अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर डिवाइड कर देगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो सबसे पहले डिविएशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें आप सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करोगे जो कि आपको करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। प्रिज्म एंगल जो होगा वो हमेशा R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। R1 का मतलब है ये वाला एंगल, पहला वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और R2 का मतलब है यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव कर रहा है। डेल्टा जो होगा वो I प्लस E -A के इक्वल हो जाएगा। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E एंगल ऑफ इमरजेंस है। जब आप मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की बात करोगे तो उस टाइम पे आई और ई इक्वल हो जाएंगे। कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, R1 R2 आपस में इक्वल हो जाते हैं और इनसाइड जो रे होती है वो पैरेलल हो जाती है बेस के। अगर ये तीनों चीजों में कोई सा भी एक लक्षण दिया जाए आपको समझ जाना मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की बात की जा रही है। मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन जो है
वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड किया जा सकता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब एंगल ए जो है वो छोटा ना हो, और अगर ए लेस देन 5 डिग्री हो तो आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज डेल्टा एम इज नथिंग बट ए टाइम्स म्यू माइनस वन। इसको गौर से देखो, डेल्टा एम यानी कि एक रे मिनिमम इतना एंगल तो सफर करेगी करेगी, डिविएट होना सफर करेगी करेगी। ये बात किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। और हमने अभी अभी देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर्स के लिए सेम मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेड कलर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो सबसे कम हो जाएगी, यानी कि रेड कलर सबसे कम एंगल से डिविएट होगा। वहीं वायलेट कलर की अगर अपन बात करें, बैंगनी कलर की, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है, यानी कि उसकी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, यानी कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी तो उसका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा। तो रेड कलर सबसे कम डिविएट हो रहा है और बैंगनी कलर सबसे ज्यादा डिविएट हो रहा है, तो ओवरऑल सारे के सारे कलर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी घटना को डिस्पर्जन कहते हैं। इसमें हम एंगुलर डिस्पर्जन मेजर करते हैं जो कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के इक्वल होता है, कि वायलेट कलर जो है वो कितना डिविएट हुआ और रेड कलर जो है वो कितना डिविएट हुआ। फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे ये वाला तो आप देखोगे म्यू वी माइनस म्यू आर टाइम्स ए के इक्वल होगा। और डिस्पर्सिव पावर की अगर अपन बात करें तो इसको थीटा को आप किससे डिवाइड कर दो, येलो कलर के एंगल ऑफ डिविएशन से डिवाइड कर दो, यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस वन। कई बार आपको म्यू वाई दिया नहीं जाता, म्यू वी और म्यू आर दे दिए जाते हैं, तो म्यू वी और म्यू आर की जो एवरेज वैल्यू होगी ना उसी को म्यू वाई आप मान सकते हो। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब प्रिज्म के दो काम है, डिविएट करना और डिस्पर्स करना। तो जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात करते हो तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनती है और उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली कंडीशन कहलाती है डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। ये कब होगा कि आपका पहला प्रिज्म सपोज करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 30 डिग्री से डिविएट कर दे सारी की सारी रेज को, और जो दूसरा वाला प्रिज्म है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर डिविएट कर दे सेम 30 डिग्री से। यानी कि दोनों प्रिज्म के द्वारा जो डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन है जो किया जा रहा है उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आप कह सकते हो कि नेट जो डिविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि आपकी जो रे है वो डिस्पर्स तो होगी बट इंसिडेंट रे और जो ये इमर्जेंट रेज बाहर निकल रही है वो एक दूसरे के पैरेलल नजर आएगी, यानी कि उनके रस्ते के अंदर कोई भी डिविएशन जनरेट नहीं होगा। ये कब होगा, जब म्यू माइनस वन टाइम्स ए किसके इक्वल हो जाए, म्यू डैश माइनस वन टाइम्स ए डैश के इक्वल हो जाए। और दूसरी कंडीशन होती है डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है, आपकी जो रेज है वो डिस्पर्स हो रही है पहले वाले प्रिज्म के द्वारा, और दूसरे वाले प्रिज्म पर जब वो इंसिडेंट हो रही है तो दूसरा वाला प्रिज्म उनको डिविएट इस तरीके से करता है कि वो वापस से क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, और बाहर वापस से कैसी लाइट निकलती है, आपकी व्हाइट लाइट निकलती है। अंदर भी व्हाइट गई थी, बाहर भी व्हाइट निकली। तो ये केवल और केवल तब होगा जब पहले प्रिज्म का जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो दूसरे प्रिज्म के एंगुलर डिस्पर्जन के इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड के अंदर, यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर टाइम्स ए फॉर फर्स्ट प्रिज्म एंड म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर टाइम्स ए डैश फॉर सेकेंड प्रिज्म, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कंडीशन ध्यान से देखना और क्वेश्चन के अंदर ढूंढने की कोशिश करना और ध्यान से अप्लाई करना। तो अगेन रे ऑप्टिक्स वो चैप्टर है जिनमें इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को अपन डायरेक्ट वेपन की तरह यूज करके हमारे क्वेश्चंस को शूट कर सकते हैं, और यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो अपनी फॉर्मूला शीट तैयार रखना और पहला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर अपन हमला करने वाले हैं। टू प्लेन मिरर्स आर लाइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर इज अ लैंप बिटवीन द मिरर्स, देन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ लैंप विल बी। तो बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है लैंप अपना, राइट, और हमारी जो नंबर ऑफ इमेजेस हुआ करती थी वो किसके इक्वल हुआ करती थी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, और थीटा दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, और आप देखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन यहां पर हम चेक करते थे कि m ऑड है या इवन है, और अगर आपको याद होगा कि m इवन हुआ करता था तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाया करती थी, m माइनस वन, यानी कि हमारी एक्चुअल में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रिक सीखी थी उसके अकॉर्डिंग वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 दैट इज 3। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गेट्स सक्सेसिवली रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री. If the angle of incidence on the first mirror is 30 degree, then the net deviation of this ray after two reflections will be. तो देखो यहाँ पे अपन ऐसी सिचुएशन पहले भी देख के आ चुके हैं. दो मिरर्स हैं और दोनों एक दूसरे से 40 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, राइट. यहां पर एक रे आ रही है, कितने डिग्री एंगल पर आ रही है? 30 डिग्री एंगल पर. इस तरीके से आई है रे, फिर यहां पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहां पर वापस से इसका रिफ्लेक्शन होगा और अल्टीमेटली इस तरीके से चली जाएगी. तो आपको ये बताना है कि ये जो डिविएशन हुआ कि रे आ रही थी और वो घूमते 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 इस तरीके से पीछे की तरफ मुड़ गई, ये जो नेट डिविएशन होगा ये कितना होगा. तो इसके अंदर हम लोगों ने पूरी की पूरी कैलकुलेशन करी थी और हमने फाइंड आउट किया था कि ये जो नेट डिविएशन होता है यानी कि जो डेल्टा होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर्स के इक्वल होता है. याद आया थोड़ा बहुत? तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एंगल बिटवीन द मिरर्स हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है. तो ट्वाइस इंटू 40 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 360 माइनस 80 करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 280 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट. छोटे छोटे क्वेश्चन है नीट के अंदर, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो फॉर्मूला जो डायरेक्ट अप्लाई हो रहे होंगे अगर इस सेक्शन के ऊपर से कोई क्वेश्चन आएगा. तो अ टॉल मैन ऑफ हाइट 6 फीट वॉन्ट टू सी हिज फुल इमेज, देन द रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विल बी. तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि मिरर की जो हाइट है वो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए. तो 6 फीट हाइट है तो हमें एटलीस्ट 3 फीट लेंथ या हाइट वाला जो है क्या चाहिए होगा, मिरर चाहिए होगा. डायरेक्ट अपन आंसर लगा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A man is 180 cm tall and his eyes are 10 cm below the top of his head. In order to see his entire height right from toe to head, he uses a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him. The minimum length of the mirror required is. तो although इसमें head और eyes के बीच में कुछ gap बता रखा है, but फिर भी हमने देखा था कि जो mirror की height है वो at least कितनी होनी चाहिए. 180 cm tall है, right? तो और सेंटीमीटर टॉल एंड हिज आईज आर 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड. तो हमें एक्चुअल में हाइट लेनी है. हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर, और 180 सेंटीमीटर का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. तो इस क्वेश्चन से रीकन्फर्म हो गया कि यार जो मिरर की हाइट होती है वो पोजिशन ऑफ आई के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two plane mirrors are at 45 degree to each other and if the object is placed between them, then the number of images will be. तो अगेन हम 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, और 45 डिग्री से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 8, क्योंकि ये इवन नंबर है. तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी हमारी, 8 माइनस 1 यानी कि 7. ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The focal length of concave mirror is 50 cm, where an object be placed so that its image is 2 times magnified, real and inverted. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ray optics उन chapters में से एक है जहां पर आपको concepts जो है उनसे भी ज्यादा जरूरत पड़ती है छोटे 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 formulas की, और उनको किस तरीके से apply किया जाता है उस information की. तो अपन missing pieces ढूंढते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या miss है, right? तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया और उसकी जो इमेज है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, यानी कि हमें m की वैल्यू कितनी दे दी गई है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2, बट इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड. इनवर्टेड इमेज होने पर m जो होता था वो क्या हो जाया करता था, नेगेटिव. तो हमारा m हो जाएगा -2, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m किसके इक्वल आया करता है, -v/u. किसके अकॉर्डिंग आया करता है, -v/u. तो माइनस से माइनस कट जाएगा और वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2u के इक्वल आ जाएगी. सबसे पहली चीज तो हमें ये पकड़ना, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, राइट. उसके बाद में हम हमारे मिरर फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे. तो 1/v + 1/u किसके इक्वल हो जाना चाहिए, -1/f के इक्वल हो जाना चाहिए. अब मैं यहां पे कैपिटल वी यूज कर लेता हूं, यहां पे कैपिटल यू यूज कर लेता हूं, यहां पे कैपिटल एफ यूज कर लेता हूं, ठीक है. तो हमसे पूछ रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, एफ हमें दे रखा है, वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड
यानी कि हमें यू फाइंड आउट करना है, तो हम वी को भी यू की टर्म में रखने की कोशिश करेंगे। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमेशा जहां पर रखा जाता है वहां से इंसिडेंट रेज मिरर की तरफ जाती है, यानी कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू जो होता है वो नेगेटिव होता है रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो यहां पे तो रख देंगे माइनस स्मॉल यू, और क्योंकि वी इस डिस्टेंस का जस्ट डबल है तो यहां पे रख देंगे माइनस टू टाइम्स स्मॉल यू, और कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो माइनस 50 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये माइनस 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 तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2u आ जाएगा, यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 2, इधर बचेगा 1 अपॉन 50, 2u को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 50 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2, ये किसकी वैल्यू जानी चाहिए, u की, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 50, यानी कि 25, और 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द मिरर ऑफ द वायर इज, तो यहां पे एरिया के टर्म्स में बात करी जा रही है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में बात करी जा रही है, तो हमने फॉर्मूला देखा था कि इमेज का एरिया जो होता है राइट, और ऑब्जेक्ट का जो एरिया होता है, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो ये इक्वल हुआ करता था एम स्क्वायर के, मतलब जो हमारा रियल मैग्निफिकेशन होता है उसका स्क्वायर कर दो तो आपको सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट का एरिया पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर पर रखा गया है उसको, तो एरिया हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है और हमें एम भी फिलहाल के लिए नहीं पता, तो मिसिंग पीस हो गया एम हमारे लिए, अब एम को अपन ढूंढ के लेके आएंगे। तो हमें देखो यू दे रखा है, अगर आप देखोगे प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो यू हमें दे रखा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस 25 सेंटीमीटर, यहां तक की बात समझ में है। हमें फोकल लेंथ दे रखी है और क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएगी माइनस 10 सेंटीमीटर। याद करो कि क्या यू और वी की फॉर्म में एम जो है उसका फॉर्मूला हुआ करता था, तो आपको याद आएगा सर ने बताया था एम हुआ करता है एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ की वैल्यू रखी माइनस टेन और ये माइनस माइनस प्लस होके 25, ऊपर रह जाएगा माइनस 10, नीचे रह जाएगा 15, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3, ये एम की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर जैसे ही एम की वैल्यू रखेंगे अपन, एम की वैल्यू रखेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 बाय 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाय 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो एरिया ऑफ इमेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अब तो नहीं लग रहा आपको रे ऑप्टिक्स से डर, आपको ऐसा सो रहा होगा कि यार रे ऑप्टिक्स तो जैसा सोचा था वैसा है ही नहीं, ये तो फिजिक्स के वाकई उन चैप्टर्स में से एक है जिसमें हमें कंसेप्ट्स की कोई खास ज्यादा जरूरत है नहीं, फॉर्मूलाज अच्छे से सीखने हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है वो बहुत अच्छे से सीखना है, इसीलिए मैं साइन कन्वेंशन पे हमेशा जोर डालता हूं, हर इंफॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है और फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इट्स वेलोसिटी इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट। हमने फॉर्मूला देखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, क्या हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, तो व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इट्स वेलोसिटी इज 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये 9 सेंटीमीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी हो गई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई। क्या हमें एम दे रखा है, तो आप बोलोगे सर एम तो नहीं दे रखा, मिसिंग पीस, तो इसको ढूंढ के लेके आएंगे। हमें एफ दे रखा है
ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन लगाओगे तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -24 सेंटीमीटर। हमें यू दे रखा है 60 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -60 सेंटीमीटर। अब एम का एफ और यू की फॉर्म में कोई फॉर्मूला हुआ करता था, यस, एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ रख दिया मैंने -24 और माइनस माइनस प्लस होके 60 सेंटीमीटर, 60 में से 24 चले गए तो ऊपर तो बच जाएगा 24 और नीचे बच जाएगा 36, 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। अब जैसे हमारे पास में m आ गया और vo हमें दिया हुआ है तो हम vi आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस m स्क्वायर दैट इज 4/9 टाइम्स 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, 9 से 9 चला गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो इस नेगेटिव साइन को अपन हटा सकते हैं। आंसर पूछा गया हमसे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी, राइट। नेगेटिव साइन जस्ट इस बात को शो कर रहा है कि जो इमेज है वो भी धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रही है, मिरर को अप्रोच कर रही है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क देन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड थिकनेस ऑफ 6 सेंटीमीटर is placed on the mark to get the mark again in focus. The microscope should be removed. तो देखो यहाँ पे microscope word जो use किया गया ना, ये केवल और केवल confuse कर रहा है आपको। Normally हम image को देखते थे, यानी कि हमारी आँखें एक instrument थी जिनको अपन focus करते थे image या object के ऊपर। यहाँ पे उनकी जगह microscope word use किया गया है। तो question में microscope की जगह अपनी आँखें लगा लो, तब question क्या हो जाएगा कि आपको एक mark है, राइट, वो कहीं दिखाई दे रहा है, फिर आप जैसे उस मार्क को ग्लास स्लैब रखने के बाद में देखते हो जिसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, तो फिर वो आपको वापस से किसी अदर प्लेस के ऊपर दिखाई देगा। तो जो शिफ्ट जनरेट हुई है इन दोनों कंडीशन के अंदर, वो शिफ्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, मैंने एक स्लैब के द्वारा रिड्यूस होने वाली शिफ्ट बताई थी, उन्होंने एग्जाम्पल किया था ना कि वैसे तो ये सिक्का अपनों को बिल्कुल नीचे दिखाई देना चाहिए, बट रिफ्रैक्शन की वजह से अपनों को कहाँ दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो शिफ्ट जनरेट होती है, इस शिफ्ट का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो कितना बताया था, x इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब 1-1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, अप्लाई करते हैं। t हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, 1-1 अपॉन म्यू, म्यू कितना दे रखा है 1.5, और 1.5 को आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो, तो 1 डिवाइडेड बाय 3/2 रखोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 3 रह जाएगा नीचे, 3-2 करोगे तो 1/3, 6 सेंटीमीटर इंटू 1/3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। इतनी शिफ्ट जो है दोनों केसेस के अंदर क्या हो जानी चाहिए, प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, यानी कि माइक्रोस्कोप को अगर आपको वापस से फोकस करना है तो एटलीस्ट कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कई बार क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, बट अगर आप उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करना सीख जाओ तो चीजें आसान हो जाती है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, तो यहां पे पानी भरा हुआ है और आप किसी भी लाइट सोर्स के बारे में बात कर रहे हो जो कि यहां पर रखा हुआ है, लाइट सोर्स हो गया अपना, राइट, इस तरीके से 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ डिस्क विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू कट ऑफ ऑल द लाइट कमिंग आउट ऑफ वाटर, तो इसमें क्या होगा, जो लाइट सीधी जाएगी वो तो निकल जाएगी, जो थोड़ी यहां पर जाएगी वो रिफ्रैक्ट होगी निकल जाएगी, थोड़ी यहां पर जाएगी और रिफ्रैक्ट होगी, बट एक रे अपन ऐसी पकड़ सकते हैं जो कि एग्जैक्टली कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी, क्रिटिकल एंगल आईसी के ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी, क्यों, क्योंकि हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर क्रिटिकल एंगल के ऊपर कोई रे इंसिडेंट हो जाती है तो फिर वो बाहर नहीं निकलती, फिर वो सरफेस के पैरेलल इस तरीके से चली जाती है। तो इसके बाद वाली जितनी भी रेज होंगी उनका तो TIR हो जाएगा, वो तो फिर वापस से पानी के अंदर लौट जाएगी, मतलब बाहर तो दिखाई देगी नहीं, तो हमें केवल और केवल यहां तक की रेज ही दिखाई दे रही है। सिमेट्रिकली अपन इधर भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हैं जहां पर इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल हो जाए, आईसी के इक्वल हो जाए, तो ये वाला जो एरिया बचा, अब ये डायग्राम 2D लग रहा है, जब आप चारों तरफ इस तरीके के पॉइंट्स ढूंढोगे तो एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, उस सर्कल
ठीक है, उस सर्कल का डायमीटर आपसे पूछा गया है। अब अगर आपने अगर इतना क्रैक कर लिया तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। आपको पता है ये एंगल आईसी है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाना चाहिए, आईसी हो जाना चाहिए। इसको अपन रेडियस आर मान लेते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि आईसी जो है वो आर से रिलेट होता हुआ नजर आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला से, बट हम उस तक भी नहीं जाएंगे। हमें तो एक चीज पता है, हमें पता है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/3, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 5। साइन ऑफ आईसी ट्राइंगल के अंदर अपन देखेंगे साइन ऑफ आईसी, तो देखो आईसी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो आर हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा 3 सेंटीमीटर के इक्वल दिखाई दे रहा है, और ये जो रे है ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल दिखाई दे रही है। वेरीफाई भी हो जाएगा कि हाँ यार सर ने वाकई यहां पर 4 ले रखा है, ये 3 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो रीवेरीफाई भी कर लिया उन्होंने। अब जैसे हमें रेडियस पता पड़ गई कि यार 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो डायमीटर जो होता है वो जस्ट इसका क्या होता है, डबल। तो 3 सेंटीमीटर का डबल कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में दे रखा है तो मीटर कर लो, राइट, 6 मीटर हो जाएगा, राइट। नॉर्मली क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में दिया जाता है, ठीक है, आगे सुन में 3 मीटर हो जाएगा क्योंकि अपनों को डेटा मीटर के अंदर दिया हुआ है। कंसेप्ट समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं और इनसे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन फिगर, इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन द इमर्जिंग रे इन एयर कंटेन्स। तो यहां पर पूरी की पूरी चेन ऑफ थॉट चलेगी। हमने पढ़ा था कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के, ठीक है, और जो क्रिटिकल एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के। वैसे साइन होगा बट ठीक है, अपन डायरेक्ट ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो क्रिटिकल एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए किसके, लैम्डा के, राइट, यानी कि जिसके लिए लैम्डा बड़ा होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी बड़ा होगा। यहां तक की बात आ गई समझ में। अब हमें ऑर्डर पता है, वी आई बी जी वाई ओ आर, हमें पता है इनकी जो वेवलेंथ है, राइट, ये ग्रीन से ज्यादा होती है, ठीक है, वाई ओ और आर की जो वेवलेंथ है वो पक्का वेवलेंथ ऑफ ग्रीन से ज्यादा होती है, और इनकी जो वेवलेंथ है वी आई और बी वो पक्का कम दिखाई देगी आपको ग्रीन की वेवलेंथ से। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पहले इनको पकड़ते हैं, येलो ऑरेंज और रेड, इनकी वेवलेंथ ग्रीन कलर की वेवलेंथ से ज्यादा है, इसका मतलब है इनके लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो भी ग्रीन कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा होगा। यानी कि जैसे सपोज करो ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल ये है तो पक्का येलो का थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, ऑरेंज का थोड़ा सा ज्यादा होगा और रेड का थोड़ा सा और ज्यादा होगा। यानी कि येलो ऑरेंज और रेड कलर की जो लाइट है वो अभी भी, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो वो अभी भी ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल के ऊपर इंसिडेंस हो रही है, मतलब खुद के क्रिटिकल एंगल से कम एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। जबकि TIR कब हुआ करता था, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो इन तीनों के लिए, रेड के लिए, ऑरेंज के लिए और वाई के लिए, अभी भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, यानी कि अभी भी इनका रिफ्लेक्शन होगा और ग्रीन के साथ साथ ये तीनों रेज भी आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे। तो इमर्जिंग रे इन एयर विल डेफिनेटली कंटेन येलो ऑरेंज एज वेल एज रेड। ये जो वायलेट इंडिगो और ब्लू कलर है इनके लिए आप सेम लॉजिक लगा सकते हो कि इनकी जो वेवलेंथ है वो ग्रीन से कम है, यानी कि इनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन के क्रिटिकल एंगल से कम होगा, यानी कि ये जो रे इंसिडेंट हो रही है इनके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि ये सारी की सारी अंदर की तरफ चली जाएंगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसकी वजह से हमें बाहर इमर्जेंट रे के अंदर नहीं दिखाई देगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, सिंपल कंसेप्ट लगाने थे, चीजों को कनेक्ट करना था, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। A ray of light passes through equilateral prism such that the angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of prism angle. तो ऐसा दे रखा है हमें, एक तो I और E आपस में equal दे रखे हैं
और इन दोनों की वैल्यू 3/4 ऑफ ए दे रखी है, और ए हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 3/4 इनटू 60 डिग्री करेंगे, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 45 डिग्रीज आ जाएगा। और हमें पता है डेल्टा किसके इक्वल हुआ करता है, आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल हुआ करता है। आई कितना है 45, ई कितना है 45, ए कितना है इक्विलेटरल है इसलिए 60 डिग्री, 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको यही कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ने ए 60 डिग्री कैसे ले लिया। भाई सब ए हमने 60 डिग्री इसलिए लिया है, हालांकि दिया हुआ कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमें प्रिज्म के बारे में बता रखा है कि वो इक्विलेटरल प्रिज्म है, और इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अ थिन प्रिज्म P1 विद एंगल 4 डिग्री मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 इज कंबाइंड विद, तो सबसे पहले की वजह से जो एंगल ऑफ डेविएशन जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, ए एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स म्यू माइनस 1.54 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री टाइम्स 0.54, ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे प्रिज्म के बारे में देखो, P2 मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, तो इस कंडीशन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, बट इसका एंगल ऑफ प्रिज्म अपन ए मान लेते हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 दे रखी है, माइनस 1 करेंगे तो ए टाइम्स 0.72 हो जाएगा डेल्टा 2। अब एंगल विद सॉरी डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन के अंदर मैंने बताया था कि पहला प्रिज्म जो है वो डिविएशन भी जनरेट करता है और डिस्पर्जन भी जनरेट करता है, दूसरा वाला डिस्पर्जन भी जनरेट करता है डिविएशन भी जनरेट करता है, बट पहले वाले का जो डिविएशन है वो सपोज करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, और दूसरे वाले का डिविएशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वापस से थीटा हो जाए, तो टोटल डिविएशन आपका कितना होगा, 0 हो जाएगा, आपको इमरजेंट और इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल नजर आएंगे। तो कुछ ऐसा ही करने के लिए कहा गया है हमें, इसका मतलब है जो डेल्टा 1 है और जो डेल्टा 2 है ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए, यानी कि 4 डिग्री टाइम्स 0.54 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए टाइम्स 0.72 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 डिग्री 0.54 डिवाइडेड बाय 0.72, ये चला गया। ठीक है, ये अपन 27 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स सॉरी 9 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि ये आ जाएगा 3/4, ठीक है, मैं गलत कैंसिल आउट कर रहा था, 4 से 4 चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा 3 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये पता होनी चाहिए, वरना वहां पर दिमाग लगाने लग गए, ठीक है, और पूरा प्रिज्म की थ्योरी को खंगालने लग गए, तो फिर आप हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर काफी ज्यादा समय जो है वो वेस्ट कर दो। तो इसीलिए मैंने छोटी 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 इन्फॉर्मेशन आपको शुरू में पढ़ाई थी, और मैंने आपको बताया था कि 100% आपके जो क्वेश्चन है ना वो इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हो जाएंगे, और बहुत जल्दी हो जाएंगे। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन का फायदा यही है, ये क्वेश्चन आपको नंबर भी दिलाएगा और आपका टाइम भी बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सेकंड सिल्वर्ड सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे तो लगता हुआ नजर आ नहीं रहा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसा जैसा कहा गया है ना वैसी वैसी रेज बनाते जाएंगे। इसने कह दिया हमें कि यहां पर सिल्वर कर दो इसको सबसे पहले, तो हमने कर दिया, और इसने ये कहा है कि यहां पर जो रे है वो टकरा के वापस से जा रही है, यानी कि हमें इतना तो पता पड़ गया कि इस जगह पर जो रे है वो पक्का 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और अब उन्होंने पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया। ये रे आई, सबसे पहला बोला गया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है 2a के इक्वल है, और ये प्रिज्म का एंगल है a के इक्वल, और जैसा इसने बताया था कि सिल्वर्ड सरफेस से टकरा के वापस से उसी पाथ को ट्रेस कर रही है, उसको हमने पकड़ लिया, यानी कि हमने ध्यान दे लिया कि यार सिल्वर्ड सरफेस के ऊपर ये 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए, तो ये 90 है, ये a है,
ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 90 माइनस ए हो जाना चाहिए। ये 90 ये नॉर्मली तो ड्रॉ किया है, ये पूरा 90 है, तो जो बच गया एंगल वो वापस से कितना हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिखाई दे गया 2a, और हमें एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन दिखाई दे गया a। हमें पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है साइन a डिवाइडेड बाय साइन i डिवाइडेड बाय साइन r। तो a तो है 2a, i तो है 2a और r है a। साइन 2a का फॉर्मूला सबको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 2 साइन a cos a, और नीचे साइन a तो पहले से ही बैठा है, साइन a से साइन a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cos a जो है वो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, राइट। तो आसान है क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा, बट वो चीज लगी है जो कि हमने बहुत पहले पढ़ ली और बहुत बार पढ़ ली, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए थे ट्रिग्नोमेट्री, और जो इंग्लिश के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको डायग्राम के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रे फॉल्स ऑन ए प्रिज्म एबीसी एंड ट्रेवल्स एज शोन इन फिगर, द मिनिमम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल शुड बी। तो कई बार क्या होता है, टीआईआर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती। पहले भी देखा था, एक और क्वेश्चन वैसा ही है, ये 90 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो आप सिंपल ज्योमेट्री के रूल से अप्लाई करोगे, ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और अगर यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जो इंसिडेंट एंगल बनेगा ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा डिकोड करना है कि एक रे जो कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वो रिफ्रेक्ट नहीं हो रही, वो रिफ्लेक्ट होके अंदर के अंदर ही मुड़ जा रही है, राइट। तो अगर आपको इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आप ये कहोगे कि ये जो साइन ऑफ 45 डिग्री है, रिफ्लेक्शन केवल और केवल तभी होगा ना जब आपकी रे जो है वो क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से कम एंगल के ऊपर क्या हो, इंसिडेंट हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के ऊपर इंसिडेंट हो, राइट। तो आप एक तरीके से 45 डिग्री को क्या मान सकते हो, क्रिटिकल एंगल मान सकते हो। तो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन हुआ करता था 1 डिवाइडेड बाय म्यू, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू। तो म्यू की वैल्यू एटलीस्ट कितनी हो जानी चाहिए, रूट 2 हो जानी चाहिए। अब देखो इसको ऐसे डिकोड करो, अगर म्यू की वैल्यू रूट 2 होगी तो क्रिटिकल एंगल कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। अगर रूट 2 से ज्यादा होगी तो क्रिटिकल एंगल और कम निकल के आएगा, और कम निकल के आएगा, इसका मतलब है अपनी रे 45 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कंफर्टेबली उसका क्या हो जाएगा, टीआईआर हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब तुम म्यू को रूट 2 से कम कर दोगे, तो रूट 2 से कम कर दोगे इसका मतलब है आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, लेट से 50 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो रे 45 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हो रही है इसका टीआईआर नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से कम पे इंसिडेंट हो रही है, तो फिर ये रिफ्रेक्ट होके बाहर निकल जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को अपनों ने क्रिटिकल एंगल से रिलेट किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद अ लिक्विड, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल्स अप द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलोंग इट्स सर्फेस। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बच्चे सोचेंगे कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब लाइट की स्पीड का कहां से क्या रिलेशन आ गया। तो देखना अपन इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, राइट। हमने बहुत अच्छे से देखा था स्नेल्स लॉ को, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। म्यू टू यहां पर कौन है, एयर, तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1। और म्यू वन यहां पर कौन है आपका, आप देख रहे हो अ रे ऑफ लाइट बीकर फिल्ड विद अ लिक्विड। अच्छा लिक्विड है, अपन वाटर मान के उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं ले सकते, तो अपन उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी ले लेते हैं, जैसे म्यू ले लेते हैं, अपनों को कहा नहीं गया तो अपन म्यू मान लेंगे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल हो जाना चाहिए। इसी का रिलेशन मैंने बताया था, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम का मतलब है हमारा लिक्विड, एंड वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम दैट इज और एयर। म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, वी वन डिवाइडेड बाय वी टू करा था ना हमने इस तरीके से, तो यहां से हमें एक रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात यही है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हमें पता है। सबसे पहले तो देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और जेड वाली शेप बन रही है तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो तुम आसानी से देख सकते हो साइन ऑफ आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज 3/5। आर तो सबको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आर कितना है, यहां पर 90 डिग्री है, तो साइन आर की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 1 दिखाई दे रही है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और आपको लिक्विड के अंदर वेलोसिटी निकालनी है, एयर के अंदर आपको वेलोसिटी ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। साइन आर की वैल्यू रखेंगे 3/5, साइन आई की, साइन आर की वैल्यू रखेंगे 1, इधर से वी एल अपनों को फाइंड आउट करना है और वी ए हमें पता है, तो वी एल की वैल्यू आ जाएगी 3/5 टाइम्स वी ए, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो 3×3 9 हो जाएगा, और 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये 1.8×10^8 मीटर पर सेकंड के इक्वल आपको आंसर आता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये प्रिज्म है, इसका एंगल ए है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस। नॉर्मली वो क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, तो यहां से ऐसे नॉर्मली क्या हो गई, इमर्ज हो गई इस तरीके से। तो नॉर्मली इमर्ज होने के पे अगर आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो नॉर्मली अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मली बाहर निकल जाती है, तो ये एंगल पक्का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, 90 - a हो जाना चाहिए। अगर यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पक्का रे आपकी इस तरीके से आई होगी, ये एंगल आई के इक्वल है और ये 90 - a है, तो बच्चे का जो एंगल वापस से कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। आपको पता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और यहां पे आर की जगह क्या दिया हुआ है आपको, a, ये किसके इक्वल होना चाहिए, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर म्यू टू, यानी कि जो भी आपका मटेरियल होगा प्रिज्म का डिवाइडेड बाय म्यू वन, दैट इज एयर, इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ए म्यू के इक्वल है। अब अप्रोक्सीमेट पूछा गया है आपसे, राइट, तो नियरली इक्वल टू पूछा गया, तो आप नियरली इक्वल टू में क्या कर सकते हो, साइन आई को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल मान सकते हो, आई, और साइन ए को अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो ए के इक्वल। तो आप देख सकते हो ए जो आई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए टाइम्स म्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। सिंपल ज्योमेट्री आपको अप्लाई करनी है। तो प्रिज्म के ढेर सारे क्वेश्चन देख लिए अपनों ने, इसी तरीके के होते हैं। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कॉट ए डिवाइडेड बाय 2। हमें पता है म्यू हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होनी चाहिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 और साइन ए बाय 2, इसके इक्वल होनी चाहिए। और हमें ये म्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, कॉट ए डिवाइडेड बाय 2, और कॉट ए डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होता है, कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय 2। साइन ए डिवाइडेड बाय 2 से साइन ए डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए बाय 2 की वैल्यू हो जानी चाहिए, थोड़ा साफ भी लिख देता हूं मैं, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो cos a by 2 है, इसको आप चाहो तो sin pi by 2 minus a by 2 भी लिख सकते हो, और क्योंकि हमें जो आंसर है वो डिग्रीज के अंदर दिया हुआ है तो अपन बेटर है इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अपन इसको लिखेंगे फटाफट से, इसको अपन लिखेंगे 90 sin 90 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अब यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर 90 माइनस ए बाय 2 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके ए बाय 2 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होना चाहिए। 2 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा माइनस ए, इधर हो जाएगा ए, और इधर हो जाएगा डेल्टा एम, इस ए को भी उधर भेज देंगे
तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2a. तो जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस 2a के इक्वल होना चाहिए. ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. As shown in figure, light P enters to the slab at an angle of 60 degree. ठीक है, यहाँ पे 60 degree पे incident हो रही है. With the normal and inside slab Q makes total internal reflection. दिखा भी दिया diagram के अंदर. Find minimum refractive index of the slab. तो अभी अभी हमने एक question ऐसा करा था. कुछ कुछ तो पहले geometry से relate करने की कोशिश करते हैं. ये 60 है, तो ये पक्का किसके equal हो जाना चाहिए? R के equal हो जाना चाहिए. भाई ये angle of incidence है, ये R के equal हो जाना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये R है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाना चाहिए? R के इक्वल हो जाना चाहिए. Z वाली शेप बन रही. और ये R है, तो ये जो बच रहा है ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 90 माइनस R के इक्वल हो जाना चाहिए. तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर TIR केवल और केवल तभी होना पॉसिबल है जब 90 माइनस R खुद किसके इक्वल हो? क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो. यानी कि हमारे मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 90 माइनस R के इक्वल होना चाहिए. आपको पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस आर, यानी कि कॉस ऑफ आर, वो किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल होता है. तो एक तो इन्फॉर्मेशन हमें यहां से पता चल गई, जो कॉस आर होगा वो 1 डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो कर सकते हैं हम लोग. इधर अपन आते हैं, यहां पे भी तो अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. तो यहां पे अपन कहेंगे कि साइन 60 डिग्री, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन. म्यू टू का मतलब है मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और म्यू वन का मतलब है एयर और उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है 1. ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन आर. ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? म्यू के इक्वल हो जाना चाहिए. यहां से आप देखोगे साइन आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू के इक्वल आ जाएगी. और कॉस आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर के इक्वल होता है. यानी कि अंडर रूट 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे आ जाएगा म्यू स्क्वायर. तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस आर की वैल्यू हो जाएगी. यहां से कॉस आर की वैल्यू आ रही है 1 बाय म्यू, यहां से कॉस आर की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 1 बाय 1 माइनस 3 अपॉन 4 म्यू स्क्वायर. दोनों को इक्वल रख देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय म्यू इज नथिंग बट 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 म्यू स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन म्यू स्क्वायर इज 1 माइनस 3 अपॉन 4 म्यू स्क्वायर. इसको इधर भेजते हैं तो 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसको 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े. 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7. तो 7 डिवाइडेड बाय 4 म्यू स्क्वायर इज 1. तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप देखोगे तो यहां पे आ जाएगी म्यू स्क्वायर इज 7 डिवाइडेड बाय 4. म्यू स्क्वायर 7 बाय 4 आ गया. अब तो म्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. म्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 2. रूट 7 होता है आई गेस 2.64, राइट? अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 2.64, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.32. यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए. अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आपको ये ऐसा खेल खेलना आना चाहिए, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने ना हमें, और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रखने हमें, तो कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ज्यादा चीजें ध्यान रखनी है, राइट? इसलिए मैंने इसको इस तरीके से करवाया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन. अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स. द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन स्केल व्हिच प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स. ओके, व्हेन द मिरर is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle of theta is given by. तो इस क्वेश्चन को एक बार अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ये आपका मिरर है, यहां पर आपका सोर्स है. पहले लाइट जा रही थी, ठीक है, टकरा रही थी और सीधे के सीधे वापस से आ रही थी, और इसके पीछे एक ऐसा स्केल बना हुआ है, और इस स्केल के ऊपर यहां पर आपका क्या क्रिएट हो रहा था? एक
स्पॉट क्रिएट हो रहा था, यहां पर आपका एक स्पॉट क्रिएट हो गया, ठीक है ना। फिर आपने क्या करा, इस मिरर को रोटेट कर दिया कितने एंगल से, थीटा एंगल से, यानी कि मिरर आपका हो गया कैसे, इस तरीके से। अब एग्जैक्टली हमने पढ़ा था कि जब आप मिरर को थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट कर देते हो, तो अब पहले तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी, नॉर्मली जा रही थी, अब क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो जितना एंगल आपने मिरर को घुमाया उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल ही होता है। तो आपकी लाइट जो है फाइनली आपके पास सीधे टकरा के ही नहीं आएगी, घूम के कहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यानी कि फाइनली इस स्केल के ऊपर जो स्पॉट बनेगा वो कहां पर बनेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बनेगा, ठीक है। अब यही चीज पकड़ने की है यहां पे, और ये अपन पैसे भी पढ़ते हुए आए हैं कि जब आप मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हो तो रे जो है वो कितने एंगल से घूम जाती है, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। तो अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपको कह रखा है कितनी है, y, ठीक है। When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light found to move through a distance y, right, on the scale. और ये जो डिस्टेंस है आपकी स्केल से ये कितनी दे रखी है आपको, x दे रखी है। आप जानते हो कि आर्क लेंथ जो होती है डिवाइडेड बाय रेडियस वो किसके इक्वल होती है, हमेशा एंगल, और एंगल यहां पर कितना बन रहा है सेंटर के ऊपर, 2 थीटा। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, y अपॉन 2x आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो कई बार छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इस तरीके से यूज करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 था जिसमें हमने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, खासकर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बिल्कुल छोटी छोटी जो बातें हैं उनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर, उन सारी की सारी चीजों को डिस्कस किया है। प्रिज्म वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि रे ऑप्टिक्स पे से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाए, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते रे ऑप्टिक्स के ऊपर। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्रेप ऑनलाइन के ऊपर, अगर आप उसके अंदर अपियर हो सके तो उसके अंदर अपियर होने की कोशिश करनी है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो सके, या इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस जो है वो आपके सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।